अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये केक मैं बनाने लगी हूँ बिस्किट्स के साथ, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सा बिस्किट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये मैरी बिस्किट है इनको थोड़ा सा तोड़ लूँगी, दो दो हिस्सों में इसको तोड़ लूँगी। दो पैकेट मैं यहाँ पर बिस्किट के लेने लगी हूँ और इसके अंदर मैं दो अंडे डाल दूँगी। अब यहाँ पे इन अंडों को और बिस्कुटों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। एक टीस्पून यहाँ पे मैं वनीला एसेंस डाल दूँगी, ये अंडों की स्मेल को ख़त्म करता है। और इसके साथ ही रूम टेम्परेचर पे ये दूध है, एक कप के जितना ये दूध इसमें मैं डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही दो टेबलस्पून मैं पिसी हुई चीनी डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे सारे बैटर को मैं मिक्स करके और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रखने लगी हूँ, तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाल दूँगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं केक के लिए एक मोल तैयार कर लूँगी, अच्छी तरह ब्रश की मदद से इसको ऑयल लगा लूँगी, चारों तरफ इसको लगा लेना है। और इसके अंदर मैं अब रखती हूँ एक बटर पेपर, मोल के साइज़ का मैंने बटर पेपर काट लिया था और बटर पेपर भी अच्छी तरह मैं ऑयल लगा लूँगी, चारों तरफ अच्छी तरह लगाना है ताकि हमारा जो केक है वो चिपके नहीं। और अब ये सारा ही बैटर मैं इसमें डाल दूँगी। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए तकरीबन 10 मिनट पहले रख दी है, उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख लिया था और एक दफ़ा इस केक को अच्छी तरह टैप कर लूँगी। यहाँ पे इस केक को मैं रखूँगी कढ़ाई के अंदर, 10 मिनट पहले मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। आग यहाँ पे अब मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी और इसको तकरीबन 20 मिनट के बाद इसको मैं चेक करूँगी, तो फिर मैं आपको 20 मिनट के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, केक को रखे हुए तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट जब हुए थे तो मैंने इसको खोल के देखा था, तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर थी। अब इसको मैं छुरी की मदद से चेक करती हूँ और ये देखें छुरी बिल्कुल क्लीन आई है। इसको मैं बाहर निकालती हूँ तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं केक को मोल में से बाहर निकालती हूँ, अभी ये बहुत गर्म है, इसको मैं बहुत एहतियात के साथ निकालूंगी। फिर देखें जी, केक को मैंने मोल में से बाहर निकाल दिया है और अब इसके ऊपर से मैं बटर पेपर हटाती हूँ। बहुत ही मज़े का और बहुत ही स्पॉन्ची हमारा ये मैरी बिस्किट केक बनके तैयार हुआ है। कटिंग करती हूँ, बहुत टेस्टी ये बनता है, आप लोगों ने भी इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।